नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके में लक्ष्मण विहार स्थित आदर्श हॉस्टल में रविवार सुबह 6 बजे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घटना के समय 6 मंजिला हॉस्टल में कुल 70 छात्र थे। अधिकतर छात्र सुबह गहरी नींद में थे, हो हल्ला हुआ तो भगदड़ मच गई। इस बीच 7 छात्र झुलस गए। पहली मंजिल पर कुछ छात्रों ने बालकनी में चादर बांधकर उतरने का प्रयास किया, इसमें एक छात्र गिरकर घायल हो गया। एक छात्र सीढ़ियों पर फिसल गया जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र यहां रहते थे। जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगे ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली। इसके बाद धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले ली। आग तेजी से ऊपर की तरफ फैली। छात्रों ने खिड़की से चादर बांधकर बिल्डिंग से नीचे उतरने की कोशिश की। इस दौरान मध्य प्रदेश का एक छात्र पहली मंजिल से गिर गया, उसके पैर में चोट आई है। प्रसार की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इसके लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। चुनाव से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर वोटिंग की अपील भी कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी के स्टार प्रचारक भी राजस्थान में सभा और रैलियां करने पहुंच रहे हैं। इस चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। इसका लेखा जोखा हाल ही में प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को दे दिया है। इसमें सबसे बड़ा खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और रैलियों पर हुआ है। आयोग के समक्ष प्रत्याशियों की ओर से पेश किए गए खर्चे की डिटेल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 सभा और रोड शो पर ही 76 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। ये सभाएं पिछले दिनों कोटपुतली और चूरू में हुई थी। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के पक्ष में पीएम ने 2 अप्रैल को कोटपुतली में सभा की थी, उस पर 30.31 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं राव राजेंद्र के नामांकन भरने से लेकर 9 अप्रैल तक चुनाव प्रचार में कुल 59 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर है। हर वादे को गारंटी के रूप में धरातल पर उतारा जा रहा है। संकल्प पत्र युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसमें युवाओं के सुझावों को शामिल किया गया है। संकल्प हमारे विकसित भारत के स्तंभ युवा, नारी, गरीब, किसान को सशक्त करता है। हमारा फोकस डी डिग्रिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हाई वैल्यू सर्विस पर ध्यान देने जा रहे हैं। मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल जारी रहेगी। गरीब की थाली पोषण युक्त और सस्ती हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जन औषधि केंद्र पर 80% डिस्काउंट मिलता रहेगा और इसका विस्तार करेंगे। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का उपचार मिलता रहेगा। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से शनिवार रात और रविवार तड़के इसराइल पर हमला किया, जिसके बाद पूरे इसराइल में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। हमले मुख्य रूप से यरूशलेम दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान और डेड सी उत्तर में इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स और साथ ही कब्जे वाले वेस्ट बैंक में किए गए हैं। इजरायल मीडिया के अनुसार लॉन्च किए गए लगभग 400 से 500 में से 100 ड्रोन को अमेरिका, जॉर्डन और ब्रिटिश सेनाओं सहित सहयोगी देशों द्वारा इजरायल पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है। भारत ने कहा कि हम इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया सहम गई। इस बीच भारत ने कहा कि हम इस शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर 22,06,237 वोटर लोकतंत्र के पर्व पर वोट करेंगे। इससे पहले आज रविवार से 2 चरणों में होम वोटिंग शुरू की गई। बाड़मेर जैसलमेर में 5,135 मतदाताओं ने होम वोटिंग का ऑप्शन चुना है। इसमें 85 साल से अधिक आयु के 4,444 और 40% अधिक दिव्यांगता वाले 691 वोटिंग करेंगे। 51 दल घर घर जाकर वोटिंग करवा रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह चांदावत के मुताबिक जिले में 26 अप्रैल को द्वितीय चरण मतदान के लिए 2,229 मतदान केंद्र और 25 सहायक मतदान केंद्रों को मिलाकर कुल 2,254 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8 मतदान केंद्र महिलाओं
और 8 मतदान केंद्र युवाओं एवं 1 मतदान केंद्र विशेष दिव्यांगजन द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में होम वोटिंग की प्रक्रिया आज रविवार से शुरू कर दी गई है। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। युग चरण, तब तक ले नमस्कार।